अभी मेरे पास है Realme X7 Max और Mi 11 X, दोनों के प्राइस पॉइंट काफ़ी हद तक एक जगह ही आते हैं, बस फर्क पड़ता है एक Mi UI का, एक Realme UI का, और साथ साथ दोनों के डिजाइंस वगैरह में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस पॉइंट आप ऑफर के बाद करीब करीब सिमिलर ही हो जाता है, जिसको जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें कौन सा पिक करना चाहिए, और उनमें से एक सिमिलर क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कैमरा किसका ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कैमरे के बारे में कि कैमरे के थ्रू क्लिक किए गए पिक्चर क्वालिटी कैसा हमें देखने को मिलता है, और कैमरे के बेसिस पे अगर कोई एक फ़ोन पिक करना हो तो कौन सा पिक करना हो, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ इसका फुल कंपैरिजन मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ और बाकी अदर चीज़ें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और Realme के सिस्टम ऐप्स अपडेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज भी मैंने शुरू कर दिए हैं, तो Redmi के अलावा Realme के भी आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है डिफरेंट दोनों के कैमरे के परफॉर्मेंस में, किस तरीके से हमें शार्पनेस और डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोनों कैमरे के EY को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या फीचर्स हमें कैमरे के अंदर देखने को मिल जाता है, इससे भी एक डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे ये है मेरे पास Mi 11X और इधर है Realme का X7 Max। तो दोनों के कैमरे को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से डिफरेंट EY दोनों में देखने को मिलता है। और मैं अपने पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगता है Mi UI का जो EY है कैमरे का, वो इसमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, और यहाँ पे जो फॉन्ट है ना वो उतना खास मुझे पसंद नहीं आते, बट मैटर करता है कि आउटपुट क्या निकल के आता है और फीचर्स किस में बेटर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे प्रो मोड के ऊपर, जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड प्रो मोड के अंदर वीडियो प्रो मोड और साथ साथ फोटो प्रो मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। और जैसे आप प्रो मोड पे स्विच करते हो, यहाँ पे आपको जो कैमरा के लेंसेज वगैरह को स्विच करने का और वीडियो क्वालिटी को भी स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो सकता है अगर आप वीडियोग्राफी ज़्यादा करते हो। तो फोटोग्राफी में तो दोनों में आपको प्रो मोड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मोड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है प्रो मोड के जगह एक्सपर्ट मोड, जिसमें भी आप देख सकते हो सेम आपको देखने को मिल जाता है ISO और बाकी अदर चीज़ों को कंट्रोल करने का ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे Mi UI के अंदर एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको एक ही साथ मिल जाता है फोटो और वीडियो दोनों का ऑप्शन, बस आपको एक सिंगल क्लिक करना है और आप स्विच कर पाओगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ से भी ये फोटो के लिए काम करने वाला है, जहाँ पे रो फोटो वगैरह भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर वीडियो प्रो मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फिल्म नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें ये सेम फीचर्स आ जाते हैं वीडियो वाले। लेकिन सबसे बड़ा कमी यहाँ पे मुझे ये लगा कि यहाँ पे आप कैमरे को स्विच नहीं कर सकते, ना ही वीडियो क्वालिटी को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि 4K 60fps 30fps, ये होना चाहिए था, बट ये मेरे लिए काफी ज्यादा निराशा वाली बात है, क्योंकि मैं प्रो मोड यूज करता हूँ, जबकि यहाँ पे कैमरे में दिया गया है और यहाँ पे देखने को सिर्फ और सिर्फ 1080p पे ही देखने को मिलता है, यानी 4K में आप यहाँ पे एक्सपर्ट मोड का यूज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा कमी लगा मुझे यहाँ पे Realme UI के अंदर, जो कि यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है Mi UI के अंदर। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा देखने को मिल जाता है वीडियो मोड। वीडियो मोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो 4K 30fps मैक्स, जबकि हमारे X7 मैक्स के अंदर आप 4K 60fps तक स्विच कर सकते हो, तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है। इसका हार्डवेयर कैपेबल है बट लेंस कैपेबल नहीं है, इसका दोनों कैपेबल है, यानी प्रोसेसर और यहाँ पे कैमरा वगैरह जो लेंस यूज किया गया है वो भी कैपेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जीके में अटैच कर लेते हो तो आप 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर पाओगे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 4K 60fps भी कंपेयर करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पाओगे जीके में पे जाते हैं तो 4K 60fps काम करता है, बस बाय डिफॉल्ट आपको 60fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। फोटो के ऑप्शन पे आते हैं तो आपको HDR AI और फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको HDR AI देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे किसी फोटो के मल्टी कलर में से किसी एक कलर को पिक करके आप काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो, जबकि यहाँ पे नॉर्मल टाइप के आपको फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको ब्यूटी के भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके काफ़ी काम यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट के अंदर वही सिमिलर चीज़ है, AI वगैरह का दिया गया है, और यहाँ पे पोर्ट्रेट का जो बुके इफेक्ट है ना वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो लेंस है हमारा 64 सोनी का है, जबकि यहाँ पे आपको 48 देखने को मिल जाता है, तो 48 और 64 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा या नहीं होगा वो आगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और इसका भी नाइट मोड आपको यहाँ पे इस साइड देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। बाकी यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉग, स्लो मोड, टाइम लैप्स, ड्यूल मूवी इफेक्ट्स, AI वाटर मॉक, लॉन्ग एक्सपोजर और क्लोन का फीचर्स मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। जबकि यहाँ पे आते हैं हम एक्सपर्ट और मोर के ऑप्शन पे,
तो आपको टेक्स्ट स्कैनर, फिल्म ड्यूल व्यू जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ड्यूल वीडियो ठीक है, स्लोमो और टाइम लैप्स, फिल्म एक्सपर्ट, पैनोरमा, टेक्स्ट और अल्ट्रा माइक्रो वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल है जो स्मॉल कैमरा यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। तो इसका जो शार्पनेस आपको दिखाई देगा ना वो बिल्कुल ही लाजवाब होता है, तो इसमें कोई कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे मूवी फ्रेम वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको फोटो के अंदर ऐसा कुछ मूवी फ्रेम वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिंपल टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अगर कैमरे फीचर्स की बात करें तो आपको MIUI के अंदर यानी Mi 11X के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, जबकि कम फीचर्स हमें यहाँ पे Realme के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन देखते हैं कि आउटपुट कैसा निकल के आता है। तो स्विच करते हैं हम अपने फोटोज के ऊपर। यहाँ पे आप साइड बाई साइड देख सकते हो, सिमिलर फोटो दोनों फोल्डर में ओपन किया हुआ है, ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाता है X7 Max और यहाँ पे Mi 11X, दोनों में सिमिलर है। 41:41 यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक थोड़ा सा आगे पीछे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। और यहाँ पे GCam से भी मैंने वीडियो चेक किया है 4K का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और फोटोज वगैरह भी है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तो फोटोज को हम ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड। तो ये रहा हमारा एक और ये रहा दूसरा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है X7 Max और राइट साइड में आपको देखने को मिलता है Mi 11X। दोनों की पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत 19:20 का यहाँ पे कलर के अंदर फर्क देखने को मिला है मुझे। नेक्स्ट फोटो की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है, जबकि X7 Max में थोड़ा सा आपको लाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा है और थोड़ा डार्कर एरिया आपको देखने को मिलता है Mi 11X के अंदर। वहीं पे आप बिल्डिंग के ऊपर फोकस डालोगे तो कलर का भी हल्का डिफरेंट है और डार्कर और लाइटर का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। डिटेल्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सिमिलर दोनों को, देखते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जूम करने के बाद किस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे रियली में X7 Max के अंदर आपको अच्छा यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो X7 Max में लाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि डार्क आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है Mi 11X के अंदर। नियर वाले ऑब्जेक्ट पे अगर टैप करें, जूम करें, तो डिटेल्स आपको करीब करीब सिमिलर ही देखने को मिलता है, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल रहा है Mi 11X के अंदर, जबकि यहाँ पे लाइटर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। अनदर इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी फिर से है जो कलर का ही फर्क है, डार्क और लाइट के एरिया का फर्क है, और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग पे कितना शार्प आपको दिखाई देता है और कलर बूस्ट दिखाई दे रहा है X7 Max के अंदर, जबकि Mi 11X के अंदर थोड़ा डार्कर और फेड आउट देखने को आपको मिल जाता है। और ये है हमारा साइड बाय साइड 48 मेगापिक्सल और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल। तो देखते हैं जूम करके क्या कुछ हमें डिटेल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी तक दोनों में सिमिलैरिटी ही नज़र आ रहा है, बट थोड़ा और जूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे भी यहाँ पे जूम कर लेते हैं। आप देखोगे साइड बाय साइड करीब करीब डिटेल्स दोनों में सिमिलैरिटी है, बट X7 Max के अंदर आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा शार्पनेस और थोड़ा बेटर क्लीनिंग, जबकि यहाँ पे Mi 11X के अंदर थोड़ा डार्क देखने को मिलता है और उतना शार्प फोटो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे रियली में X7 Max है जो हमारा 64 मेगापिक्सल अच्छे से प्रॉपर रिजल्ट है जो दे पा रहा है, जबकि 48 थोड़ा सा पीछे हो जाता है। यहाँ पे कलर की बात करें तो काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल रहा है, बट वही है कि आप बिल्डिंग पे देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्कर है और यहाँ पे X7 Max के अंदर कितना ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलता है। अनदर आप देख सकते हो दोनों के स्काई काफ़ी हद तक सिमिलर कलर हैं, बस वही है कि नीचे अगर आप देखोगे खेतों के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो आपको लाइट्स का ही डिफरेंट देखने को मिलेगा दोनों के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पास करके मेन कैमरे से ही फोटो क्लिक किया है, क्योंकि एक 5 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल है, तो दोनों का कंपेयर तो बनता ही नहीं है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल जस्ट अमेजिंग फोटो क्लिक करता है। Mi 11X के अंदर थोड़ा सा कमी मुझे देखने को मिला कि मेन कैमरा है जो पास वाले सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहा था। आई थिंक ये नए अपडेट के बाद बग देखने को मिला, जबकि हमारा X7 Max काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी तक सिमिलर डिटेल देखने को मिलता है, तो किसी एक को आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, लेकिन दोनों काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। अनदर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है, यहाँ पे पीछे का जो कलर है वो थोड़ा एक में आपको बूस्टेड देखने को मिलता है थोड़ा वाइट, और एक में थोड़ा ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। अनदर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का डिफरेंट देखने को मिलेगा कलर के मामले में, डिटेल्स काफ़ी तक सिमिलर है। और एक रैंडम फोटो मैंने क्लिक किया है जहाँ पे आप देख सकते हो X7 Max ने है जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे है जो फोकस किया है, जबकि ग्रिल के ऊपर फोकस नहीं किया है। और वहीं पे हम X7 Max की बात करें तो इसने ग्रिल पे फोकस किया है और दूर वाले ऑब्जेक्ट को ब्लर करके रख रखा है। अनदर फोटो काफ़ी हद तक सिमिलर है, जबकि दोनों में अलग अलग कैमरे से क्लिक किया गया है, दोनों का अपना अपना कैमरा है, फिर भी यहाँ पे दोनों में लाइट कंडीशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, इस बार लग ही नहीं रहा है कि कुछ डिफरेंट है। बट वहीं पर स्काई के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे येलो देखने को मिल जाता है Mi 11X के अंदर वाइटर, जबकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको कलर देखने को मिलता है X7 Max के अंदर। ये लो लाइट के अंदर फोटो क्लिक किया गया है, दोनों मटेरियल काफ़ी सही है, लेकिन हम जैसे ही जूम करते हैं यहाँ पे आप देखोगे X7 Max के अंदर है जो हमारा Mi 11X काफ़ी सही डिटेल से दिखाई दे रहा है,
जबकि यहाँ पे फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है मी 11X का और लिखा हुआ वर्ड मी 11X के कैमरे के अंदर। यहाँ पे आप वॉल पे कलर देख सकते हो जो X7 Max ने थोड़ा डिफरेंट कलर प्रोवाइड किया है, जो कि नेचुरल कलर यहाँ पे काफी हद तक हमें मी 11X के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बारी आती है सेल्फी की, जहाँ पे गेम चेंजिंग वाला चीज है आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो मी 11X के अंदर काफी हद तक डिटेल देखने को मिलता है, क्योंकि 20 megapixel और यहाँ पे 16 megapixel है, जिसकी वजह से जो डिटेल है फेस का X7 Max में बिल्कुल ही खत्म सा है। और बैकग्राउंड आप देख सकते हो किस तरीके से व्हाइट हो चुका है स्काई, जबकि यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक स्काई दिखाई देता है, और बारिश का मौसम है जिसकी वजह से आपको थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्काई देखने को मिलेगा। अनदर में भी आप देख सकते हो पीछे काफ़ी ज़्यादा व्हाइट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे काफ़ी हद तक सही है और डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है मी 11X के अंदर। अनदर की बात करें तो फिर से यहाँ पे मी 11X काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल रहा है। अनदर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैंने GCam भी एक ट्राई किया था, तो ये रहा आई थिंक, नहीं ये हमारा पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट में काफ़ी हद तक हमारा X7 Max अच्छा फोटो क्लिक कर देता है, जबकि हमारा जो हर सिनेरियो में मी 11X काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सेल्फी के मामले में, और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छा हमें दिखाई देता है मी 11X के अंदर। अब यहाँ पे मैंने बैक कैमरे का यूज करते हुए थोड़ा पोर्ट्रेट ट्राई किया है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा जो X7 Max है काफ़ी सही है, लेकिन इसने फेस के ऊपर फोकस नहीं किया है, काफ़ी हद तक ब्लर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो काफ़ी आर्टिफिशियल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो तो किस तरीके से आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा है। तो शार्पनेस तो है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा अजीब सा फोटो लगा मुझे मी 11X का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो सारे रेंडम क्लिक है, कोई भी फोकस नहीं किया गया है। और यहाँ पे X7 Max का है जो बैक कैमरे का क्लिक मुझे काफ़ी हद तक सही लगा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों में है, जो बैकग्राउंड को फोकस लिया गया है और फेस को फोकस नहीं किया गया है, दोनों में आपको फेस ब्लर देखने को मिल जाता है। और डिटेल्स की बात करें तो पीछे का जो डिटेल्स है वो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देता है, और स्काई के कलर थोड़े से ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं X7 Max के अंदर, क्योंकि कलर बूस्ट करता है, जबकि यहाँ पे हल्का सा फेड और नेचुरल आप कह सकते हो कि X7 Max में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो बैक कैमरे में, जहाँ पे मी 11X का जो गेट का कलर है वो काफ़ी हद तक नेचुरल है, जबकि X7 Max ने इसने थोड़ा सा लाइट ज़्यादा ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे फेड आउट टाइप का दिखाई देता है। और दोनों के फेस की डिटेल बात करें तो फिर से X7 Max जो कि 64 मेगापिक्सल है काफ़ी सही डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं पे हमारा 48 मी 11X थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अनदर पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे दोनों में साइड बाय साइड काफ़ी अच्छा है, बस एक येलो टोन के साथ है और एक रेड टोन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। डिटेल्स की बात करें तो दोनों में इस बार मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर डिटेल देखने को मिला है, बस कलर का यहाँ पे हल्का फुल्का है जो फर्क देखने को मिला है, और एज डिटेक्शन में दोनों में थोड़ी बहुत कमियाँ देखने को मिल जाती है। ये है हमारा डार्क रूम का फोटो क्लिक किया हुआ, जो कि नॉर्मल तरीके से है, और जैसे मैं यहाँ पे नाइट मोड ऑन कर देता हूँ आप देख सकते हो साइड बाय साइड हल्का फुल्का लाइट दिखाई दे रहा है, जबकि मी 11X में थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ जाता है। फिर थोड़ा सा लाइट को छोड़ते हुए फोटो क्लिक करते हैं नाइट मोड का, तो मी 11X में जो नाइट मोड काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ज़्यादा एरिया कैप्चर कर पा रहा है, ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पा रहा है, जबकि X7 Max में थोड़ा कम लाइट है जो यहाँ पे कैप्चर करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सन के अगेंस्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स है, और ये दोनों है जो हमारे GCam से क्लिक किया हुआ है। स्काई काफ़ी कमाल का है, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे तरीके से है, बस वहीं पे फिर से जो कलर का है एक येलो और एक रेड टाइप का देखने को मिलता है। और फेस के डिटेल की बात करें ना तो X7 Max का थोड़ा ज़्यादा इस पर मुझे देखने को लग रहा है, यानी भाई GCam डालते ही यहाँ पे गेम चेंज हो चुका है। अनदर आप देख सकते हो GCam से है, सन के अगेंस्ट में है, तो मी 11X में थोड़ा डार्क आ चुका है ज़्यादा, जबकि X7 Max में काफ़ी हद तक सही है, और स्काई दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोनों का मैंने कैमरा चेक किया, जो कि 1080p 30fps है, और एक थोड़ा ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है, आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन एक छोटे में प्ले हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट देख लेते हैं किस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर। दोनों में सिर्फ और सिर्फ कलर का ही डिफरेंट देखने को मिला, बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों काम कर रहा है। अब ये जो सेकेंड क्लिक है यानी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये है 4K का 30fps। यहाँ पे आप देख सकते हो X7 Max ने कुछ ज़्यादा ही कलर है जो ले लिया, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की कमी है, और बिल्कुल ही बेकार सा यहाँ पे कलर है जो कि देखने को मिल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, जबकि मी 11X में है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और लाइट कंडीशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है।
अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मी 11X के जीकैम को 60fps इनेबल करके रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पे X7 Max का डिफॉल्ट 4K 60fps के साथ देखने को मिलता है, यानी दोनों 4K 60fps है, बस एक जीकैम का यूज़ किया गया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैमरा है जो हमारा 60fps फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पे आपने देखा कि दोनों में काफ़ी तक सही है, लेकिन हमारा जीकेम से 60fps काफ़ी ज़्यादा अटक रहा था, तो ये जीकेम की कमी है क्योंकि अभी मैंने परफेक्ट जीकेम नहीं डाल रखा था, बस रैंडम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे डिटेल्स की बात करें, कलर्स की बात करें, तो नेचुरल हमें देखने को मिलता है मी 11X के अंदर, जबकि ओवर शार्पनेस ओवर कलर देखने को मिल जाता है हमारे X7 Max के अंदर। तो जीकेम अगर सही आता है तो हमारा 4K 60fps काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने वाला है मी 11X के अंदर। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम करने वाला है स्टेबलाइजेशन टेस्ट जो कि 4K 30fps का है, तो दोनों को प्ले कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि X7 Max के अंदर पूरा दुनिया हिल गया, यानी स्टेबलाइजेशन जरा सा भी काम नहीं कर रहा है, जबकि काफ़ी हद तक ठीक ठाक देखने को मिल जाता है मी 11X के अंदर। अब ये दोनों वीडियो है जो कि 1080p 30fps से रिकॉर्ड किया गया है दोनों फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आउटपुट निकल के आता है मी 11X का, जबकि X7 Max के अंदर हमें स्टेबलाइजेशन जरा सा भी देखने को नहीं मिलता है। अब ये है दोनों के सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ, और एक एडवांटेज देखने को मिलता है मी 11X के अंदर जो कि 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि हमारा जो रियलमी है वो सिर्फ 1080p 30fps तक ही रिकॉर्ड कर पाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में X7 Max ने सेल्फी कैमरे में काफ़ी अच्छा काम किया है, यानी डिटेल्स काफ़ी सही दिखाई दे रहा है अगर कंपेयर करें इनके फोटो क्वालिटी से, तो आउटपुट काफ़ी सही निकल गया है, जबकि मी 11X ने काफ़ी अच्छा काम किया है हर बार की तरह यहाँ पे कैमरे में, और सेल्फी का कलर्स वगैरह लाइट कंडीशन सब कुछ अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपको मी 11X लेना है या फिर X7 Max लेना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दोनों में काफ़ी हद तक मिक्स रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, इसमें जीकेम डालने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन है, जबकि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है, स्टेबलाइजेशन ठीक से काम नहीं करता। इसका 64 काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, इसका 48 कभी कभी अच्छे तरीके से काम करता है। तो दोनों में अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको देखना यह है कि आपको क्या पे फोकस करना है, फोटो पे फोकस करना है या वीडियो पे फोकस करना है, उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हो। एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इन फ्यूचर कस्टम रोम रूट वगैरह और बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये मी 11X काफ़ी बेहतरीन चॉइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जबकि आपको स्टेबल रहना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना है, स्टूडेंट हो या बिजनेस प्रोफाइल के लिए यूज करने वाले हो, कई सारी चीज़ें फाइलें रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रियलमी के साथ जाओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। और बग की बात करें ना, तो दोनों के वॉइस में अपडेट आते हैं तो बग आ जाते हैं और दोनों के रिसॉल्व होते रहते हैं, और अभी फिलहाल दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ देखने को मिल रही है। लेकिन आपका क्या है डिसीजन, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों साइड बाई साइड काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, बस पिक तो आपको किसी एक को ही करना होगा ना, तो आपका कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं वेट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और साइड बाय साइड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसका जीकेम का वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है।